पृथ्वी शॉ ने खेली 185 रनों की तूफानी पारी, एक साथ तोड़ा धोनी और कोहली का अनोखा रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK स्पोर्ट के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी पृथ्वी शॉ को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, कप्तान पृथ्वी शॉ की तूफानी पारी के दम पर मुंबई ने मंगलवार को खेलते हुए विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में खेले गए मैच के मुकाबले में सौराष्ट्र को 9 विकेट से रौंद कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में मुंबई का मुकाबला 11 मार्च को कर्नाटक की टीम से होगा। जीत के हीरो रहे पृथ्वी ने 123 गेंदों पर 21 चौके और 7 छक्के की मदद से नाबाद 185 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने MS धोनी और विराट कोहली जैसे दिग्गजों का विस्फोटक और अनोखा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पृथ्वी शॉ ने बतौर भारतीय लिस्ट एक क्रिकेट के लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मौजूदा कप्तान विराट कोहली के नाम था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इससे पहले धोनी ने 2005 में श्रीलंका के खिलाफ जयपुर में हुए मुकाबले में 145 गेंदों में नाबाद 183 रन और कोहली ने 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ ढाका में हुए मैच में 148 गेंदों पर 183 रनों की पारी खेली थी। पृथ्वी ने इस विजय हजारे ट्रॉफी के मौजूद सीजन में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 6 मैचों में 196.3 की औसत से 134.78 के स्ट्राइक रेट से 589 रन बनाए हैं, जिसके बदौलत उन्होंने दोहरा शतक और एक शतक शामिल है। पृथ्वी ने दिल्ली के खिलाफ 105 नाबाद, पांडुचेरी के खिलाफ 227 नाबाद और सौराष्ट्र के खिलाफ 185 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए पवेलियन लौटे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि खराब फॉर्म में चलने के कारण सिलेक्टर्स ने पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि अपनी शानदार फॉर्म में उन्होंने भारतीय वनडे टीम में वापसी के दावेदार पेश कर दी है। इंग्लैंड के खिलाफ 23 मार्च से शुरू होने वाले 3 वनडे की सीरीज में भारतीय टीम की घोषणा होना अभी बाकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पृथ्वी शॉ को इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए या नहीं? आप अपनी महत्वपूर्ण राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।